थाना साइबर क्राइम पुलिस ने सरकारी कर्मचारी बनकर गरीब व असहाय लोगों को कॉल करके प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले दो शातिर साइबर ठगों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से दो मोबाइल फोन, 9,000 रुपए नकदी, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पहचान पत्र एवं श्रम विभाग की फर्जी रसीदें बरामद। हापुड़ से संवाददाता दीपक कश्यप की खास रिपोर्ट। देखिए, जनवरी के महीने में एक कंप्लेनेंट है जो बाबूगढ़ के निवासी हैं, उन्होंने IGRS में भी अपनी कंप्लेंट डाली थी और थाने पे आकर के भी एक कंप्लेंट दी थी, जिसमें इन्होंने ये बताया था कि इनके साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे फ्रॉड हुआ है। ये व्यक्ति योगेंद्र सिंह है, जो सिमरौली बाबूगढ़ के निवासी हैं। ये पहले लाइन मैन का कार्य करते थे और 2006 में इनके साथ एक हादसा हो गया था, जिस कारण इनके हाथ और पैर में चोट आई थी। अब ये बेचारे अभी दिव्यांग व्यक्ति हैं और इन्होंने मेहनत से जो कमाई करी थी वो साइबर फ्रॉड के माध्यम से लगभग 40,000 रुपये प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से इनसे ठग लिए गए थे। इनकी कंप्लेन जब हमको मिली तो हमारी साइबर सेल की टीम, थाना बाबूगढ़ की टीम ने इस पूरे केस को डेवलप किया और डेवलप करने के उपरांत इसमें दो शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने अपनी पूछताछ में ये भी बताया कि इन्होंने आसपास के जनपद से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और भी जनपदों में काफ़ी लोगों के साथ साइबर फ्रॉड और ठगी करी हुई है। इन्होंने पूछताछ में ये बताया है कि ये लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे घर फ्लैट दिलाने के लिए कॉल करते हैं और जो संबंधित व्यक्ति होता है उसको झांसे में लेकर के उससे अपने अकाउंट में उस प्रॉमिस के साथ कि उसको ये घर दिलवा देंगे, 25,000 रुपये 30,000 रुपये जो उनसे बन पड़ता है वो ट्रांसफ़र करा लेते हैं और फिर वो ट्रांसफ़र करने के बाद ही अपना मोबाइल वगैरह बंद कर देते हैं। तो ऐसे करते करते अभी जो हमारे अकाउंट में डिटेल्स आई हैं, पिछले 3-4 महीने में ही लगभग 3.5-4 लाख रुपए इन्होंने अलग अलग लोगों से ठगे हैं। और भी साथी हैं इनके जो जनपद कानपुर के रहने वाले हैं और जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं, एक का नाम शिवा है, एक का नाम राजेश है। ये दोनों जनपद एक जो है वो थाना चौबेपुर जनपद कानपुर कमिश्नरेट के रहने वाला है, दूसरा जो है जनपद कानपुर देहात के थाना रनिया का रहने वाला है। इनके पास से फ़ोन, कुछ पैसे, आधार कार्ड व कूट रचित श्रम विभाग की कुछ रसीदें बरामद हैं। इन्होंने पूछताछ में भी बताया कि इनके गांव में और भी ऐसे कुछ साथी हैं जो उनके साथ मिल करके ये लोग ऐसा काम करते हैं। संबंधित जनपद की पुलिस को और वहाँ के अधिकारियों को इनके और इनके गैंग के बारे में अवगत कराया जा रहा है और जो भी अन्य व्यक्ति इनके साथ मिल करके इस तरीके से ठगी करते होंगे उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, इन्होंने पूछताछ में अभी ये बताया है कि एक व्यक्ति है इनके गांव का जो इनको उनकी लिस्ट प्रोवाइड करता है जिन्होंने आवेदन किया है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। और इन्होंने ये भी बताया कि रैंडम नंबर्स को लगा लगा कर ये लोग कॉल करते हैं और जो भी कोई सीधा व्यक्ति इसमें सामने मिलता है उसके साथ ही लोग फ्रॉड कर लेते हैं। तो वो जो व्यक्ति हैं और उसके जो अन्य साथी हैं, जो संबंधित जनपद है वहाँ की पुलिस को उनके बारे में भी अवगत कराया गया।